मेरा नाम मुकेश नहीं है। इनकी तरह मेरी भी जिंदगी खुशी और बकचोदी से भर रखी थी, लेकिन एक दिन जब मैं गहरे नशे में था, मैंने यूट्यूब के एक अंधेरे कोने में जाने का फैसला किया। वो फैसला मेरी पूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला था। तो कैसे हैं आप लोग? देखो यार, मानो ना मानो, YouTube का एक अंधेरा कोना है और वो अंधेरा कोना तीन चीजों से भर रखा है, हवस हवस और हवस। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर एक औरत का नाड़ा बंद नहीं हो रहा होता है, बस, और कुछ नहीं हो रहा पूरी वीडियो में, बस नाड़ा ही बंद नहीं हो रहा है। और इस वीडियो को देख के YouTube ऑफिस में बैठे एक बंदे ने कहा, अरे वाह, क्या कॉन्टेंट डाला है बंटाई ने। ए सतीश, एक काम कर, इसको ट्रेंडिंग पे चढ़ा दे। लेकिन सर, रजनीकांत से ऊपर ला इसको। तो इसलिए आज हम उस कोने में घूमने जा रहे हैं। अब तुम में से जितने भी लोग 18 से नीचे हैं ना, देखो यार, मुझे परवाह नहीं है, मेरी छोड़ो, इस पूरी दुनिया में किसी को परवाह नहीं है। शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, हम दो वीडियोस देखने वाले हैं और दोनों ही वीडियोस में फांसी चढ़ जाने वाले चुटकुले हैं। तो आओ यार, तुम लोगों को आत्महत्या की तरफ बढ़ावा देते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आपने अधिकतर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमेशा अपने प्रोडक्ट हमेशा नए नए स्लोगन के साथ मार्केट में उतारती हैं। सपोज कीजिए, अगर यही बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्डोम बेचने लगे तो? इससे साफ पता चलता है कि इस औरत के पास पूरी दुनिया में कोई काम नहीं है सिवाय ये सोचने के कि अगर पतंजलि और हिमानी कॉन्डोम बनाए तो कितने मजे आएंगे। हमारे ये दिन आ गए कि हम एक औरत को कॉन्डोम अनबॉक्स करते हुए देख रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक से खाना खजाना वाली फीलिंग आ रही है। तेल एक पैन में, एंड सपोज दैट अगर यही कॉन्डोम नोकिया कंपनी बेचना शुरू कर दे तो उनका अपने स्लोगन क्या होगा? कनेक्टिंग पीपल। हसो हसो, डायन ने जोक मारा है, हसो बहन चौथ वरना खा जाएगी। यही कॉन्डोम एंड सपोज दैट अगर यही कॉन्डोम मूव कंपनी वाले बेचने लगे। नहीं 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 नहीं, वो आवाज मत निकालियो, कुछ भी हो जाए वो आवाज मत निकालियो, वो जहरीली आवाज मत। आह से आह तक। अरे ऐसी आवाज तब आती है जब तुम्हारा बहुत टाइम से मुंह का प्रेशर बन रहा हो। अब आ जाते हैं दूसरी वीडियो में। इस वीडियो के सबसे पहले सीन में एक 60 से 70 साल का बुढ़ा एक मोटी सी औरत को गंदी नजरों से देखता है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखते जाओ, बहुत उद्यमी है ये बुढ़ा। और गेंदा भाभी, क्या कर रही हो? क्या काट रही हूँ। हो सकता है इस वाले सीन पे तुम लोगों ने ढंग से ध्यान ना लगाया हो, लेकिन जो हमारा उद्यमी बुढ़ा है उसने अभी अपनी बाइनी गांड उठा के पाच छोड़ी है, और जैसे इस बुढ़े का आकार है, बदबू से पड़ोस के दो बच्चे मर गए होंगे। बुढ़ा मान नहीं रहा है, सबसे पहले तो 2 मीटर की दूरी पे बैठा तब भी ये कांड करना जरूरी है। साले मतलब जादू ही दुनिया में जी रहा, तू पीटर पैन है यार, तेरे हाथ में मशीन गड़िया सुनने वाली, कोसों कोसों दूर से बच्चों को पैंट में मूदते हुए सुन लेता है। अरे ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है भुट्टे से। क्या बात कर रही है भाभी, डर और वो भी भुट्टे से? हाँ क्यों? अरे एक बार मेरे अंदर फंस गया था। अंदर फंस गया था? हाँ। क्या फंस गया था भाभी? अरे मेरे मुंह में। बुट्टा कैसे फंस सकता है यार, ये लंड की तरह थोड़ी ना चूसना होता है उसे। इस औरत का बचपन कितना बुरा बीता है, और ये देखो ये क्या है, आंखें देखो यार इस बुढ़े की। बात छोड़ के इसे इतने मजे आ रहे हैं कि ये अब नशे में है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। पकड़ लो हाथ में, काम आएगा रात में। मोहित गिटार ला, अभी ला, मेरे सर पे मार, मैंने कुछ सुना है मुझे उसे भूलना है, जल्दी मार। पकड़ लो हाथ में, काम आएगा रात में। अरे मोमबत्ती थोड़ी ना है। पकड़ लो हाथ में,
काम आएगा भाभी। साला कभी कभी समझ में नहीं आता ये यूट्यूब है कि यूपॉन। मैं सही बता रहा हूँ, जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं ना, आने वाले 2 साल में ये लोग हॉट बिकनी सेक्स से 3 तिगाड़ा खाट बिगाड़ा पे उतराएंगे। अरे क्या है ये, तो पकड़ लूंगी हाथ में, तो काम आएगा रात में। भाभी अरे ये चल क्या रहा है, ये औरत उस बंदे की बांसुरी को पालतू कुत्ते की तरह सहला रही है और ये भोसड़ी का भुट्टा खा रहा है। इस बंदे को भुट्टे से इतना प्यार है ना कि ये भुट्टे को अपने शरीर के अलग अलग छेदों में देता है और इस बात के लिए अपने मोहल्ले में मशहूर भी है। सारे बच्चे से भुट्टन भुट्टन कह के बुलाते हैं, भुट्टन भोसड़ी का। अरे निकालो तो, ओ नंदू के डोपे, तू क्या पकड़ा रहा है मेरी पड़ोसन को? क्या ये उद्यमी बुड्ढा इस औरत का पड़ोसी है, तो साला इसके घर के अंदर घुस के पूजा पाठ कैसे कर रहा है? नहीं ये बात इसने पूछे भी कैसे होगी। नमस्ते बेटी, क्या मैं तुम्हारे योगा मैट पे तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारे सामने पूजा पाठ कर सकता हूँ? बीच बीच में तुम्हें गंदी नजरों से देखूंगा और अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक आध मजबूत पाद भी छोड़ दूंगा, इस तरह दोनों का मन लगा रहेगा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है यार वीडियो छोटी है, यार समझा करो, तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है मेरी, और अगर नहीं समझ सकते तो मेरे घर आओ और मुझे मार दो। खैर अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 55,000 लाइक्स के लिए, जल्दी कर दो यार। और अगर तुम लोग नए हो तो वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे गंदी नजरों से देखो या फिर उस पर क्वांटम फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार अब मैं भी जा रहा हूं यार, पता नहीं मैं क्या करूंगा। बाय मोहित। अबे भोसड़ी के सही में तूने गिटार मार दिया मेरे पास। यू आर नाउ माय ओनली ड्रीम गर्ल, आई डोंट वांना लिव विदाउट यू। What?